नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। रतिया बुढ़लाड़ा रोड पर आवारा पशुओं को लेकर के गांव रतनगढ़ बुदड़वास और रतिया क्षेत्र के किसानों में जमकर विवाद हुआ। रतिया के किसानों ने रतनगढ़ और बुदड़वास के किसानों पर यह आरोप लगाया कि आवारा पशु उनके खेतों में ये लोग छोड़ रहे हैं। आवारा पशुओं के कारण ग्रामीणों में विवाद बढ़ा और ग्रामीणों ने एक दूसरे पर लाठियां भी बरसाई। आधा दर्जन से अधिक लोग इसमें घायल हो चुके हैं। पुलिस के पहुंचने के बाद ही विवाद को शांत करवाया गया। घायल लोगों को रतिया के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पलपल फतेहाबाद से राजेश पांगो की विशेष रिपोर्ट। इलाके में परेशानी का सबब बन चुके आवारा पशुओं के कारण ग्रामीणों में दुश्मनी पनपने लगी है। हालात इस कदर बेकाबू हो चुके हैं कि ग्रामीण इन पशुओं के कारण एक दूसरे से भी भिड़ रहे हैं। ताज़ा मामला रतिया इलाके का है, जहां पर आज सुबह आवारा पशुओं के कारण दो गांवों के दर्जनों लोग आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों में जमकर लाठियां और डंडे भी चले। घटना में दोनों पक्षों के आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए और सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत करवाया। वहीं घायलों को नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दरअसल रतिया इलाके के ग्रामीणों का आरोप है कि गांव बुदड़वास और कुछ ग्रामीण सैकड़ों की संख्या में आवारा पशुओं को हांक कर रतिया शहर और उसके आसपास के गांव में छोड़ रहे हैं। आरोप है कि जब उन्होंने उनका विरोध किया तो झगड़े पर उतारू हो गए। ग्रामीणों का कहना था कि उनके गाँव और रतिया शहर में पहले से ही भारी संख्या में आवारा पशु हैं, जो उनकी फसलों को नष्ट करने के साथ साथ आए दिन हादसों का कारण भी बन रहे हैं। अब देखें पल पल की एक खास रिपोर्ट। जो मामला किसान इकट्ठे हुए की मामले मामला का ना ये आवारा पशु नहीं जी, आवारा पशु मान लो नुकसान कर देने जिम्मेदारा है बहुत ज्यादा जी। इस बारे में मतलब सरकार है प्रशासन है यह कोई भी मतलब जी कुछ प्रबंध नहीं इन्हों का कर रहा। जिम्मेदार है आप में भाईचारा सा खत्म होने लग रहा है जी। मान लो हम मेरे खेत बढ़िया ने मैं अगे तोड़ देना जी, इस करके भी सा भाईचारा खत्म होने लग रहा है जी। इस करके सरकार की मांग कर दो असी सरकार तो यही मांग कर दिया जी, इन्हों का कोई हल करे गाइया जो पशु तुरे फिरते हैं आवारा इन्हों का कोई हल हो जी। इस तरह ये किसानों का झगड़ा हुआ क्या मामला है? ये जी किसानों का जो झगड़ा हुआ है ये गौआ और दूसरे सांडों के खेत अंत का उठा हुआ है जो हमारे खेतों में, उनके लिए ये किसान बेचारे आपस में झगड़ रहे हैं। जो बाहर के पंजाब के लोग हैं वो गायें वगैरह यहाँ छोड़ जाते हैं, यहाँ रतनगढ़ रतिया के हाथ पे, यहाँ हम यहाँ रतिया में गौशाला में छोड़ने जा रहे थे, उन्होंने हमें रोक दिया और इसीलिए ये झगड़ा हो रहा है। इसका सरकार कोई हल करे, हमारे लोग तो बहुत जिम्मेदार बहुत दबका बहुत तंग है, बहुत ही जरूरी। प्रशासन से क्या मांग करें? प्रशासन से यही मांग करते हैं कि किसानों के साथ कोऑपरेट करें और किसानों के साथ इनका कोई हल करे। हम भी गौशाला के सेवक हैं, हम भी गौशाला को तूड़ी कणक सब कुछ देने के लिए तैयार है, पर ये जो हमारा नुकसान है खेतों का इतना ज्यादा नुकसान है, 300-300 गाय एक बार जिस खेत में चली जाए 10-10 किले खा जाती है रात को, इतना ज्यादा लोग परेशान है, जिमीदार बहुत परेशान है। प्रशासन से सरकार से हम लोग यही बेनती करते हैं कि हमारा ये भाईचारा है इसको खत्म ना करें, इस भाईचारे को हम आगे बढ़ा के इकट्ठा होकर सारा संविधान करने के लिए तैयार है। जिहड़े साडे गवांडी पिंड ने भुंदड़ वास्ते रतनगढ़ ये 200-250 गाइया रतिए शहर च बाड़ते सीगे जी, असि इन्हां नूं रोकदे सीगे वी भाई ये गाइया असी रतिए शहर च नहीं बन देनियां, साडे भी खेत नहीं, इन्हों क्या जी भी ट्रालिया से जब तक कोई साधन करके छड़ के आओ गौशाला या नंदीशाला, जे थोड़े को साधन नहीं है नंदीशाला या गौशाला कोई बंदा बुला लो सू वेरीफाई करा दो भी उत्थी छड़ के आने ने इसनों जान देवे। पहले उन्होंने साढ़े धक्का मुक्की की नाली पुलिस से ट्रैफिक उत्थे बाधित किया, स्कूल वैन रोकिया जी, असं वापस छड़न आए जी इतने तो इन्होंने साढ़े चार बंद डांगा मारियां, दो बंद जो वीडियो आए गए हैं तीन, एक लोहे की डांग है, दो कुर्ते पजामे वाले बंद ने जी उन्होंने को दूजिया डांगा ने साढ़े तीन बंद डांगा मारियां, एक साढ़े सीरी से उंगलों इन्हें तोड़ती छिले अस्पताल जाकर तो लगे खून निकली जाता है। दो घंटे असं वेट करते रहे प्रशासन अगे जी, इतने रोड की धरना है जे दूजे पिंड पशु साढ़े आएंगे जी असं तो बढ़ नहीं देवे चाहे जो भी नतीजे हो, क्योंकि अभी दो घंटे पुलिस का ही वेट करते, दो घंटे इन्होंने घग्गर का पुल भी जाम रखा, ये चीज़ दे जी ये दोषी बनते हैं ना, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।